हेलो दोस्तों, तो आज हम अपनी क्लास सिक्स आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। इससे पहले दो हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली हैं, वो हमने पिछले वीडियोस में कर लिए। अगर आपने वो नहीं किए हैं तो आप जाइए पहले उनको देखिए। तो 6.3 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन है, छोटी सी एक्सरसाइज है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स एज फ्रैक्शंस। हमें क्या करना है, इन सभी डिविजन्स को फ्रैक्शंस में लिखना है। तो बहुत ही इजी है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो सबसे पहले होता है वो हमारा होता है न्यूमरेटर, जो बाद में होता है वो होता है डिनोमिनेटर। ये डिवीज़न हमने लिख दिया फ्रैक्शन में, बस हमें यही करना है। एज इट इज़ हमें ये वाला 25 डिवाइडेड बाय 5, सिमिलरली 125 50, और लास्ट वाला भी इसी तरह से। आप चाहो तो इनको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, नहीं चाहो तो इनको एज इट इज़ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करना का तो क्या हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 5/1। यहाँ पर हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाला जो, ये भी हो जाएगा 5/1, और ये वाला हो जाएगा 5/2, ठीक है। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज डिवीजन। हमें इन सारे फ्रैक्शंस को डिवीजन में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, जो पहला नंबर है हमारे पास उसको हम क्या लिख देंगे ऐसे, और डिवाइड का निशान, ये जो बीच में लगा हुआ है ना डंडा, इसको ही हमें क्या डिवाइड के साइन में चेंज करना है, और बाद में 7 ऐसे इसको यहाँ पर 90/63 और 1/5, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.3। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 6.4 करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए।